त्योहारों के सीजन में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा मिलावटखोरी पर रोकथाम के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज शहर के लाइन पार इलाके में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा कई प्रतिष्ठानों पर छापामारी करते हुए खाद्य सामग्री के सैंपल लिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा त्योहारों के सीजन में मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के विषय में जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि सहायक आयुक्त विनोद कुमार सिंह ने बताया कि नवरात्रों के इस पावन अवसर पर बाजारों में बिक रहे कुटू के आटे, फलाहार आदि की गुणवत्ता को लेकर हमारी टीम द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। 26 सितंबर से ये अभियान चलाया जा रहा है। हम लोगों ने अभी तक 21 नमूने संग्रहित किए हैं। इसके अलावा अन्य खाद्य पदार्थ जिसमें भी मिलावट की सूचना प्राप्त होती है, उस संबंध में कल हमारी टीम द्वारा लाकड़ी फाजलपुर स्थित ओमकार ट्रेडिंग कंपनी की सूचना मिली थी। हमने वहां पर निरीक्षण किया तो मौके पर 11 कुंतल दाल, अरहर की 10 कुंतल और 1 कुंतल मसूर की दाल जो कि खाने योग्य नहीं थी, उस दाल को एक अच्छी बोरी में पैक करके रजनीगंधा ब्रांड नाम से रखा गया था। हम लोगों ने खोलकर देखा तो उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं थी। मौके पर नमूने लिए गए और 11 कुंतल दाल को रिपोर्ट आने तक जब्त करा दिया गया है। इसी कड़ी में बुद्धि विहार में भी कई मार्ट हैं, उन मार्ट पर चेकिंग की गई और नमूने भी लिए गए। ये अभियान हमारा 3 अक्टूबर तक जारी रहेगा। देखिए, एक आदेश हमारे पास आयुक्त महोदय खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन का आया हुआ है और उनके आदेश पर और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर हमारी टीम जो है नवरात्रि के पर्व पर जो कि तमाम फलाहार, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा मार्केट में बिक रहे हैं, उनकी हम लोग जो है छानबीन कर रहे हैं और उनकी गुणवत्ता भी हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा टीम गठित कर चेक की जा रही है। इसी संबंध में हमने 26 तारीख से हमारे यहाँ अभियान चल रहा है। हम लोगों ने करीब 21 नमूने संग्रहित किए हैं और इसके अलावा अन्य खाद्य पदार्थ जिसमें भी मिलावट की सूचना प्राप्त होती है, उस संबंध में कल हमारी टीम द्वारा यहाँ लाकड़ी फाजलपुर स्थित ओमकार ट्रेडिंग कंपनी है वहाँ पे हम लोगों को सूचना मिली थी। वहाँ हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया तो वहाँ पे मौके पे करीब 11 कुंटल दाल, अरहर की 10 कुंटल और 1 कुंटल मसूर की दाल जो कि बिल्कुल फ्रैगमेंटेड अवस्था में थी, उसमें खाने योग्य नहीं था और उसको एक अच्छी बोरी में पैक करके रजनीगंधा ब्रांड जो है उस नाम से वहाँ रखा गया था। हम लोगों ने उसे खोल कर देखा, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं थी। मौके पर उसका जो है नमूना लिया गया और लगभग 11 कुंटल दाल जो है वो हमने अगली रिपोर्ट आने तक उसको जब्त करा दिया गया है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 1,10,000 रुपये है। और इसी क्रम में आज हम लोगों ने बुद्धि विहार में भी जो माल्ट हैं, कई माल्ट हैं, वहाँ पर छानबीन की और नमूने भी लिए गए हैं और ये क्रम हमारा अगले 3 अक्टूबर तक जो आयुक्त महोदय का निर्देश है जारी रहेगा। दिवाली आने वाली है सर, उसके पर भी आगे भी अभियान जारी। हाँ, दीपावली पर देखिए बहुत सारी मिठाई और नमकीन का ये त्यौहार होता है और हर आदमी मिठाई का शौकीन होता है, कोई भी कहीं भी मिलने जाता है किसी से तो मिठाई लेकर ही जाता है, तो ऐसे में मिठाई में मिलावट की संभावना बढ़ने की आशंका ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस संबंध में हमारी टीम दशहरे के बाद एक सर्वेलायंस सूचना एकत्र करती है कि कहाँ पर मिठाइयाँ गड़बड़ बन रही है, जनता के माध्यम से, पत्र के माध्यम से हम लोग सूचना लेते हैं और उसके बाद एक टीम गठित करके हम लोग वहाँ पे कार्रवाई करेंगे। सर, आज भी कोई कार्रवाई की गई? आज हम लोगों ने बुद्धि विहार में वहाँ पे 2 मार्ट हैं, वहाँ पे कुट्टू का आटा और नमकीन, इन सब चीज़ों के नमूने संग्रहित किए गए हैं।